Hello students, we were discussing the chapter p group elements. The last video we have discussed the 16th group, and in 16th group we have discussed the ozone compound O3 from the 16th group, the allotropic form of oxygen. So today we are going to continue the topic, and today we have the allotropic form of sulfur. Allotropic forms of sulfur. At a different temperature level, many type of allotropic form of sulfur are obtained in the previous two decades. But some important allotropic form of sulfur are S8, S6 and just S2. S8, S6 and S2. So from the allotropic form of S8, we have two types of sulfur. First one is alpha sulfur, that is called rhombic sulfur, and beta sulfur, it is monoclinic sulfur. Rhombic sulfur and monoclinic sulfur has many difference between them. So let's check what are the differences between them. Alpha, beta, ठीक है, एक टेबल बना लेंगे, टेबल में आपको पूरा तैयार हो जाएगा. फर्स्ट पॉइंट इट इज मोनोक्लिनिक. Second one is how it is prepared. It is prepared by heating roll sulfur. Heating roll sulfur. ठीक है. Heating roll sulfur having color yellow. ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, क्योंकि सल्फर का येलो कलर केवल इसी फॉर्म में मिलेगा. येलो इन कलर. फोर्थ है मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका 385 केल्विन, ठीक है. फिफ्थ है इनसोल्युबल इन वॉटर, ठीक है. और सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड readily soluble in CS2, it is also carbon disulfide, non-polar, ठीक है. CS2 carbon disulfide, non-polar, ठीक है. ये थे property आपके alpha sulfur के लिए. इसके alpha sulfur का सबसे important जो point है, एक तो इसका solubility है, CS2 में readily dissolve हो जाएगा, सबसे अच्छा है इसका point. yellow color का होता है, ठीक है. तो दो पॉइंट मैंने आपको बताए, कलर और सोल्युबिलिटी, ये दोनों से ही क्वेश्चन बनेगा जब पेपर में. चलिए बात कर लेते हैं मोनोक्लिनिक सल्फर बोलते हैं जिसको, बीटा सल्फर वो जो बोल रहे हैं, उसका बनाने का प्रोसेस क्या है, कलर कैसा है, मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, सोल्युबिलिटी क्या है, ये सब हम चेक करते हैं. चलिए डिस्कस करते हैं
मोनोक्लिनिक सल्फर। आइए, मोनोक्लिनिक सल्फर, बीटा सल्फर इज कॉल्ड मोनोक्लिनिक सल्फर। हाउ इट इज फॉर्म्ड? इट इज फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग एंड कूलिंग ऑफ अल्फा सल्फर एट 369 केल्विन थर्ड अभी बता रहे, फोर्थ जो इसका है मेल्टिंग पॉइंट, है 393 केल्विन बीटा सल्फर। फिफ्थ वन, इट इज रेडली सोल्यूबल इन CS2, इट इज सोल्यूबल इन CS2। अच्छा, इसका एक जो प्रिपरेशन का मेथड है, इसका बनाने का मेथड है कि जब इसको चाइना डिश में हम हीट करेंगे तो यहां पर क्या होगा, हीट करेंगे फिर कूल बनेंगे, तो यहां बनेगा क्रिस्टल, और क्रिस्टल में आप जो भी आप उसको क्रिस्टल में एक होल, एक पिन विद द हेल्प ऑफ पिन एक होल बना लेंगे, उस होल से क्या होगा एक्स्ट्रा वाटर, एग्जिट करा देंगे। ठीक है, आफ्टर दैट यू विल गेट निडल शेप, क्रिस्टल्स, ठीक है, ये जनरली डार्क वॉयलेट कलर का होता है, इसका जो कलर होता है डार्क वॉयलेट कलर होता है, कलरलेस लिखा हुआ, डार्क वॉयलेट कलर ये होगा आपका S6 होता है। ठीक है, बीटा सल्फर कलरलेस होता है, S6 क्या होगा डार्क वॉयलेट कलर का, इसको कलरलेस लिखना, यहां पर लिखना कलरलेस निडल शेप, क्रिस्टल मिलेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस था, सल्फर की एलेक्ट्रोपिक फॉर्म है, तीन फॉर्म में मिल सकता है, S8, S6, S2। S8 के दो फॉर्म है, अल्फा बीटा दोनों सल्फर, अल्फा सल्फर रोम्बिक सल्फर, बीटा सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक के बिटवीन डिफरेंस, फर्स्ट वन बनाते कैसे हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अल्फा सल्फर इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग रोल सल्फर, जो आपका जनरल जो सल्फर होता है जो आपका रॉ मेटेरियल में यूज होता है। नेक्स्ट, बाय मेल्टिंग एंड कूलिंग ऑफ अल्फा सल्फर एट 369 केल्विन, यानी कि फर्स्ट फॉर्म को 369 केल्विन के ऊपर गर्म करोगे तो उसको फिर वापस से कूल करोगे तब बनेगा क्रिस्टल, और क्रिस्टल के बाद निडल शेप जो क्रिस्टल मिलेगा कलरलेस, दैट विल बी बीटा सल्फर। नेक्स्ट वन, येलो इन कलर, इट इज कलरलेस, मेल्टिंग पॉइंट 385, इट हैज 393, ठीक है, इसका 8 केल्विन ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट। इन सोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल एज मच एक्सटेंट इन ऑर्गेनिक सोलवेंट एंड रेडिली सोल्यूबल इन CS2 कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक सोलवेंट नॉन पोलर, ठीक है, इट इज डायरेक्टली सोल्यूबल इन CS2। ठीक है, ये इसका डिफरेंस है, जहां से क्वेश्चन आता है, एक तो सबसे पहले की मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, दूसरा इनका कलर क्या है, तीसरा इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये सारे ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया है, तो इसमें अब आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, जो S8 है, ठीक है, S8 है, इसका हम स्ट्रक्चर अब आपसे डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर इसका होता है पकर्ड रिंग, अगर कोई रिंग है, सपोज कड़ा होता है ना, कड़ा पहन लेता है कुछ बच्चे, उसको मैं पकड़ के ऐसे क्रश कर दूं तो दो साइड से ऊपर से क्रश होगा, देखो यहां से मैंने क्रश किया और यहां से किया, तो क्या बनेगा इसका, ये दो डेप्थ तो ये जाएंगी इनकी वजह से, और एक डेप्थ नीचे वाले की वजह से जाएंगे, ये हो गया पकड़ रिंग बोल लो या क्राउन शेप बोल सकते हो उसको। ठीक है, पकड़ रिंग या क्राउन शेप, यहां हर जगह आप एड कर दीजिए S8, ये S8 का बेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, S8 का बेटा ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसीलिए इसको पकड़ रिंग बोलते हैं, पकड़ रिंग मतलब हमने पिचका दिया रिंग को, ये बोल सकते हैं आप इसको, यहां पर तो पकड़ रिंग स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, सल्फर का दूसरा, ये S8 के बारे में तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यही थी। ठीक है, S6 के बारे में दे दूं आपको, S6 के बारे में बता दूं, S6 जब भी एग्जिस्ट करेगा इट विल एग्जिस्ट इन बोट फॉर्म, एक चेयर फॉर्म होती है एक बोट फॉर्म होती है, तो ये चेयर फॉर्म में करेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म। ठीक है, हेक्सागन का सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म जो होता है चेयर फॉर्म होता है। ठीक है, एक बोट फॉर्म जो होता है वो अनस्टेबल होता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, चेयर फॉर्म हो गया, S6 बोल दिया हमने इसको। ठीक है, बात करनी है S2 की, यहीं पे कर लेते हैं। S2 के बारे में सबसे ज्यादा खासियत एक है, सबसे पहले तो बात है बहुत ही हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करेगा,
वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, और जब ये वेरी हाई टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करेगा तो वहां पर क्या होना क्या है, वहां देख लें वहां पर होना क्या है। हमने पढ़ा था और उसमें फिजिकल केमिस्ट्री मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वी नो दैट O2 डाइऑक्सीजन इज अ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल ड्यू टू प्रेजेंस इन प्रेजेंस द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन पाई ऑर्बिटल, ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक था, एज इट इज H2 इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक, बस ये इसका सबसे बड़ा पॉइंट है, H2 जो है इसका पैरामैग्नेटिक फॉर्म में होगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया यहां से, तो यहां से आपके तीनों S8, S6 और S2 तीनों कंप्लीट हो जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड SO। चलिए हर एक वीडियो को आपके लिए एक पार्ट में तोड़ा गया है, बनाया गया है, जिसमें कि मैक्सिमम दो टॉपिक या केवल एक ही टॉपिक होता है, ठीक है, तो उसको उसी तरीके से याद रखने की कोशिश करें, प्रैक्टिस उसी तरीके से करें, ठीक है। और आपके पास YouTube पर वीडियो होने का फायदा सबसे अच्छा ये है कि आप जब चाहे रिवाइज कर सकते हैं, तब चाहे आप उसको पढ़ सकते हैं दोबारा, उसका ऐसा नहीं होगा कि इस बार ये चीज छूट गई सर, इस बार टेक्स्ट पिछली बार ये बता दिया, इस बार ये नहीं बता रहा, तो सेम लेक्चर आपके लिए अवेलेबल है, तो आप उसको चेक करते रहें टाइम टू टाइम, जब भी आपका टेस्ट होता है चैप्टर का उसी हिसाब से आप उसको करते रहें। इस बार हमने शायद एल्कोहल का नहीं, हाँ LDIHD का टेस्ट ले लिया, इस बार हम लेंगे LDIHD कीटोन कार्बोक्साइलिक का टेस्ट हमने ले लिया, इस बार लेंगे अमाइंस, ठीक है, इस बार टेस्ट लेंगे अमाइंस, और अमाइंस के बाद फिर कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के बाद फिर पीपलों को स्टार्ट कर लेंगे। चलिए तो डिस्कस करना आज हमको क्या, आज हमको डिस्कस करना है सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, स्ट्रक्चर का बात करें तो स्ट्रक्चर इसका बेटा इस टाइप का होता है, बेंड शेप, कैसी होती है बेंड, और एज द मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, जैसे ओजोन का मॉलिक्यूल था उसी तरीके से यहां पर क्या होगा रेजोनेंस होता है, और इसमें रेजोनेंस के थ्रू ये स्ट्रक्चर चेंज होकर के अपने दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज होती रहती है, ठीक है, ये इस तरीके से चेंज होती रहती है। तो दीज टू स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, आर इन इक्विलिब्रियम, ये तो होना ही है, क्योंकि हर एक रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर होती है एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होती है। अगर मैं इसका हाइब्रिड रेजोनेंस हाइब्रिड में इसका प्रिपेयर करूं या बनाऊं या ड्रॉ करूं तो इट विल बी लाइक दिस। तो इससे यहां क्या पता लगा, क्योंकि एक बार बॉन्ड है एक बार नहीं, एक बार बॉन्ड है एक बार नहीं, इससे यहां क्या पता लगा, बोथ SO बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन शेप इन लेंथ, सॉरी, तो यानी कि दोनों का लेंथ सेम होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। अब इसका कर लेते हैं प्रिपरेशन, ठीक है। प्रिपरेशन में हमें पता है सल्फर को दो तीन तरीके से बनाया जा सकता है, तो सबसे पहले बर्निंग ऑफ सल्फर कर लें, H+O2 कर लें, सल्फर विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन, यहां पर क्या होगा, यहां पर 10% SO3 इज ऑल्सो फॉर्म्ड,
इज फॉर्म्ड ऑल्सो, यहां पर ये भी बनेगा, ठीक है ना, ये बन जाएगा। तो यहां जाओगे एस प्लस ओ टू विल गिव एसओ टू, सिंपली सल्फर डाइऑक्साइड बनाना था, बना लिया, एसओ थ्री भी बनेगा, उसको मिजर भी करने। सेकेंडली हम बना सकते हैं कैसे, सेकेंडली आप एसओ टू कैसे बना सकते हैं, जो आपका वो होता है ना सल्फेट सोल्ट, ठीक है, सल्फाइट, तो उसको डायरेक्ट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा दे फ्रॉम सल्फाइट सोल्ट। सल्फाइट सोल्ट क्या होता है, अगर मैं कहूं सल्फाइट H2SO3 है तो मैं इसका आयनिक फॉर्म लिखूंगा बेटा, मैं यहां पर आयनिक इक्वेशन लिखूंगा, और वो कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराना है। तो सिंपल सी बात है, सल्फाइट है मेरे पास, मैं लिख रहा हूं SO3 2 नेगेटिव, और इससे मुझे बनाना है SO2, ठीक है। तो यहां क्या कराना पड़ेगा, यहां इसका एक तो सबसे पहली बात हमें पता लग रहा है कि सल्फर कितने फॉर्म में है, 6 2, यहां 4, ये प्लस फॉर्म ऑक्सीडेशन स्टेट में है, नहीं, और यहां भी प्लस फॉर्म में ही है, ठीक है। तो इसको चेक कर लेते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ये काम होना है, ठीक है। अब इसको आयनिक बैलेंस करना है, देखो फ्रॉम सल्फाइड सॉल्ट, और यहां पर आप लिख सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड या एसिडिक फॉर्म में, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड आपने लिख दिया, तो SO3 2 नेगेटिव को SO2 में चेंज कर दिया, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड मैंने ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना लिया, इस तरीके का इक्वेशन मैंने बना लिया, ठीक है, इस तरीके का एक फॉर्म मैंने बना लिया, सेटअप कर लिया है। तो अब क्या करूंगा मैं, अब इसको केवल आयनिक मेथड से बैलेंस कर दूंगा और मेरी इक्वेशन तैयार हो जाएगी, रटना नहीं है, नाम याद होना चाहिए बस, ठीक है, सल्फर सल्फर, ठीक है। फिर करेंगे ऑक्सीजन बैलेंस, ऑक्सीजन यहां 3 है, यहां 2 है, चलिए कर लेते हैं, H2O मैंने लिख लिया, ठीक है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मेरे पास 2H पॉजिटिव ऑलरेडी है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं चार्ज बैलेंस कर लेता हूं, क्योंकि आयनिक फॉर्म, आयनिक फॉर्म में चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, इधर न्यूट्रल है और इधर ऑलरेडी न्यूट्रल है, तो बस ये जो इक्वेशन आया मेरा, इट इज अ आयनिक बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर फ्रॉम सल्फर सॉल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थर्ड है इसका, ठीक है, एक थर्ड फॉर्म, थर्ड मेथड है, सिंपल है। आपने देखा होगा कि जब हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6, तो चैप्टर नंबर 6 जो था, जो कि सिलेबस से हट चुका है, जिसमें हम मेटलर्जी पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने क्या किया था, सल्फाइड ओर जो थे वहां से सल्फर निकली थी, एक प्रोसेस था, इन द सल्फाइड ओर को गर्म करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, उसको हम बोलते थे रोस्टिंग, ठीक है। तो रोस्टिंग करानी है, ठीक है, बाय रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर, सिंपल, बहुत माइंड में आ रहा है कि सल्फर वहां SO2 निकलती थी, सिंपल सी बात है, SO2 तो निकाल लिए, और मैंने वहां भी बताया था कि SO2 बनाने का भी मेथड यही है, ठीक है। चलिए तो FeS2 कर लेते हैं, FeS2 और ऑक्सीजन, और यहां जाएगा SO2, और अब बनेगा, क्योंकि ये आयरन है और ये ऑक्सीजन है, इसका भी ऑक्सीडेशन होना सल्फर का, ये हो चुका, इसका भी ऑक्सीडेशन होना, तो यहाँ आएगा Fe2O3 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, यही तो बन रहा था ना, Fe2O3 नहीं बन रहा था, इसको बैलेंस करो जरा, आयरन इक्वल नहीं है, मैंने इक्वल कर दी, सल्फर इक्वल नहीं है, मैंने इक्वल कर दी, ठीक है, 2 2 4 और 3 7 7 हो गया, क्या मैं इसको डबल कर लूं, ठीक है, अगर मैं इसको डबल करूंगा तो इक्वल हो जाएगा ना, इवन नंबर हो जाएगा ऑक्सीजन का, तो आयरन कितने हो गए, 4 हो गए, तो आयरन में 4 कर लिए, अब सल्फर कितने हो गए, सल्फर हो गए 8, तो मैं यहां 8 करूंगा, तो 8 2 16 और 2 3 6 16 6 22, और आयरन 4 है, ऑक्सीजन 8 है, ठीक है, तो इसको मैं 11 कर देता हूँ, ये होगी मेरी बैलेंस, ठीक है, बिल्कुल जैसे जैसे मैंने किया है ऐसे ऐसे आप याद करेंगे, रटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। तो भैया ये था हमारा प्रिपरेशन ऑफ सल्फर, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट।
तो वो सल्फर डाइऑक्साइड चल रहा है आज टॉपिक जो है हमारा। तो इसमें अब हम पढ़ेंगे इसका प्रॉपर्टीज, क्योंकि अभी तक हमने किया प्रिपरेशन, अब इसका हमें पढ़ना प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक साथ लिखते हैं, कोई अलग अलग लिखेंगे। ऑर्गेनिक में तो सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा डिफरेंस भी होता है। अब यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी में ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और सोलिबिलिटी, बस इतना ही, मास थोड़ा लेंदी होता है मेल्टिंग पॉइंट सोलिबिलिटी, यहाँ केवल बताना है कि यस नो, यस नो करना, ठीक है, तो वही कर लेंगे। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ SO2, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ SO2। सबसे पहला कलरलेस गैस, ठीक है, पंजेंट ऑर्डर, ठीक है, थर्ड है हमारा कलरलेस गैस पंजेंट ऑर्डर, थर्ड है हमारा टॉक्सिक एट हाई कंसेंट्रेशन, टॉक्सिक इन हाई कंसेंट्रेशन। अगर हाई कंसेंट्रेशन When present in high concentration, ऐसे लिख लेना, ठीक है, ये हो। थर्ड और फोर्थ है हमारा रिएक्शन विद वाटर। अब यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टी शुरू होगी, आप जैसे पता लग रहा है आपको, रिएक्शन विद वाटर। अब ये वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, टेंथ क्लास से मेरे भाई पढ़ते आ रहे हैं कि SO2 अगर गैस है और वाटर अगर ये लिक्विड है प्योर, तो ये बनाते हैं H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। यानी कि यहां से हैशटैग क्या है, SO2 इज एसिडिक नेचर, SO2 इज एसिडिक इन नेचर, यहां से हमें पता लग रहा है कि SO2 जो गैस है वो एसिडिक नेचर की है, सिंपल, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अभी एसिड के साथ चलो वो करा इसने, एसिडिक है तो एसिडिक के, अगर ये एसिडिक है तो भैया ये बेस के साथ मिक्स होकर के सॉल्ट बनाएगी, वही हमारी रिएक्शन है, तो रिएक्शन भी दलदली कर देते हैं, रिएक्शन विद अल्कली, ठीक है। चाय दे दो थोड़ी देर में, ठंड, हाँ बस फिर 5 मिनट ढूंढ जाओ ना, ठीक, रिएक्शन विद अल्कली, ठीक है। अल्कली के साथ क्या है कि SO2 का मैंने रिएक्शन कराया NaOH के साथ, इसने बनाया Na2SO3, ठीक है, ट्वाइस ऑफ NaSO3 और H2O निकल जाएगा, लेकिन मैं एक्सेस Na2SO3 फिर SO2 के साथ मैं रिएक्ट करा दूं तो ये बना लेगा, तो ये क्या बनाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर लिखना पड़ेगा फिर इसको, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, या फिर यहीं पे मैं लिख दूं कि एक्सेस SO2, इसी सॉल्यूशन में OSO2 मैंने डाल दिए मान के चुके चलिए, तो क्या बनाएगा, ट्वाइस ऑफ NaHSO3 सोडियम बाई सल्फाइड, सोडियम बाई सल्फाइड ये बन जाएगा, ये सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फाइड है, ये सोडियम सल्फाइड बना था, यहां सोडियम बाई सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये था। चलिए सिक्स्थ है, नेक्स्ट वाला जो इक्वेशन है, नेक्स्ट जो है रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में SO2 दो तीन जगह रिएक्शन करती है। अगर मैं कहूँ कि SO2 और Cl2 को मैंने मिक्स कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ चारकोल, ठीक है, तो SO2 Cl2 बना लेगा ये, ठीक है, ये बना लेगा SO2 Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, नेक्स्ट है। अगर मैं SO2 का ऑक्सीडेशन कराना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर या तो मैं प्लेटिनम लूंगा या फिर V2O5। प्लेटिनम आजकल यूज करना बंद कर दिया है, एक तो कॉस्टली है और एक लेस सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट ना मान के चले, ये मतलब रिएक्शन के बीच में खराब हो जाता है, लेस एफिशियंट बोल रहा हूँ इसको, लेस एफिशियंट,
एक तो लेस एफिशिएंट है, कॉस्टली है, इसलिए V2O5 इज अ बेटर ऑप्शन इन प्लेस ऑफ प्लेटिनम. सो इट विल कन्वर्ट SO2 इनटू SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस. ठीक है, और ये आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस है ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ SO4. नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, वहां हम ये वाला रिएक्शन पढ़ेंगे, सेकंड वाला. ठीक है, चलिए. तो ये तो था केमिकल इक्वेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर, सब कुछ मैंने करा दिया. लास्ट बचा है वही है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ सल्फर का काम है. मैंने कल भी बताया था आपको कि जितने भी कंपाउंड है ग्रुप 16 के या समथिंग, जो भी कंपाउंड है पी ग्रुप के, जिनके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, दे कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से वर्क कर सकते हैं तो हमको उनका ऑक्सीडेशन पावर दिखाना पड़ेगा, जो कि हम अभी दिखाने वाले हैं. ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग जो भी हो सकता है, देखते हैं अभी. चलिए, तो अभी आप इतना नोट कर ले, लास्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी हम कराने वाले हैं आज का लास्ट टॉपिक. चेक कर लेते बेटा, देखो जरा SO2 एस का मैं ऑक्सीडेशन नंबर चेक करूं, लेट एक्स -2 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई टू फॉर 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन टोटल 0, एक्स -4 0, एक्स +4. सल्फर यहां पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और सल्फर कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, हमने अभी जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब आपको बताया था ये सब. तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या कर सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और रिड्यूस भी हो सकता है. अगर ऑक्सीडाइज होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, रिड्यूस होगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा. क्या ऐसा हो सकता है, हो सकता है. ठीक है, इसलिए हम यहां पर आपको इसका रिड्यूसिंग पावर दिखाएंगे. ठीक है, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ SO2. इसको प्रूव करने के लिए दो टेस्ट मैं लेता हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, सबसे पहला तो ये KMnO4 सॉल्यूशन जो है उसको, उसका कलर डिग्रेडाइज कर देता है. दूसरा, इसका जो आयरन थर्ड को आयरन सेकंड में लिख देता हूं आपको. यहां पर क्या करता है, आयरन थर्ड को आयरन सेकंड में कर सकता है. ठीक है, MnO4 नेगेटिव को Mn2 पॉजिटिव में कर सकता है. ठीक है, और Cr2O72 नेगेटिव को CrO3 में चेंज कर सकता है, Cr3 पॉजिटिव में चेंज कर सकता है. ठीक है, और यहां पर ये कलर लेस करेगा, ये हो जाएगा कलर ग्रीन कर देगा इसका, किससे ये हो जाएगा ऑरेंज टू ग्रीन, और MnO4 हो जाएगा वॉयलेट टू कलरलेस. ठीक है, बस काम खत्म. ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं आयरन थर्ड को चेन इसमें फेरिक टू फेरस कैसे करता है देख लेते हैं. एक इक्वेशन लिखते हैं उसको आयनिक बैलेंस कर लेते हैं. ठीक है, चलिए ये लिख लिया मैंने Fe3 पॉजिटिव टू Fe2 पॉजिटिव है. ठीक है, तो यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया फॉर द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन. ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन अगर मैं लिखूं कि जो SO2 है, SO2 विल बी कन्वर्टेड इनटू SO4 2 नेगेटिव हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6. ठीक है, इसमें कन्वर्ट होगा सल्फेट में, अच्छी बात है, बैलेंस कर लेते हैं. ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, सल्फर तो बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ट्वाइस ऑफ H2O कर लिया, चार ऑक्सीजन यहाँ आगे, दो ऑक्सीजन यहाँ आगे, बात होगी खत्म, एटम हमारे हो गए बैलेंस. बात आती है हाइड्रोजन एक्स्ट्रा जो हो रहा है,
इसको हम कर लेते हैं एच पॉजिटिव। कितना एच पॉजिटिव है? 4H पॉजिटिव है हमारे पास, ये आ गया 4H पॉजिटिव। ठीक है, अब ये 4H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में ही मुझे करना है ये। ठीक है, ठीक है, एसिडिक मीडियम में हम मैं एसिडिक में करके दिखा देता हूँ, बेसिकली हो सकता हूँ। ठीक है, अब चार्ज बैलेंस करना है तो चार्ज इधर है न्यूट्रल, इधर है क्या, इधर है टू पॉजिटिव ज्यादा है तो इधर मैंने टू इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। देखो दो नेगेटिव ये रहे, दो नेगेटिव रहे, चार नेगेटिव और चार पॉजिटिव हो गया जीरो, इधर जीरो है। अब सेकंड इक्वेशन में दिया फर्स्ट और सेकंड के इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के बाद उसको ऐड करना, यही तो मेथड होता था। तो मल्टीप्लाई टू करो उसमें, ट्वाइस ऑफ एफ पी थ्री पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव्स ट्वाइस ऑफ एफ पी टू पॉजिटिव। ठीक है, ये मेरी आगे इक्वेशन नंबर थर्ड। और इसको मैं जैसे ही बैलेंस करूंगा दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन तो बनेगा एसओ टू ने क्या किया, एसओ टू ने ट्वाइस ऑफ एफ पी थ्री पॉजिटिव को इनवर्जन ऑफ वाटर टू एच टू ओ किसमें चेंज कर दिया, एसओ फोर टू नेगेटिव में चेंज कर दिया और ये खुद चेंज हो गया एफ पी टू पॉजिटिव में और चार हाइड्रोजन पॉजिटिव इसके पास है। ये आपकी बैलेंस इक्वेशन होगी। आप चेक कर सकते हैं कि सल्फर यहाँ पर प्लस फोर फॉर्म में है, यहाँ प्लस सिक्स में है, तो ये क्या हुआ ऑक्सीडेशन, बट ये प्लस थ्री में था और ये यहाँ प्लस टू में, इसका हुआ रिडक्शन। यहाँ से प्रूफ हो जाता है, यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है कि इस तरीके से ये काम होना है। ठीक है, चलिए लास्ट इक्वेशन कर लेते फटाफट से, कौन सी, अच्छा MnO4 और Cr2O7। चलो आप एक काम करना, आप इन दोनों इक्वेशन को करके देखना, अगर नहीं होगी तो कल में हम करा देंगे। चलिए, क्योंकि आज लेक्चर लंबा हो गया, 30 मिनट से ज्यादा हो गए। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।